की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, कुछ समय पहले जब आप उच्च शिक्षा मंत्री जी थे तब आपने एक पत्र लिखा था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि कमलनाथ जी को जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी तब आपने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को कि इलाके के शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाया जाए, इनकी मांग जायज है। तो आज जो आप खुद मुख्यमंत्री है, आज आपको क्या लगता है ये मांग जायज नहीं है क्या? ये अच्छी शिक्षकों की मांग बिल्कुल जायज है। और हम आपसे मांग क्या रहे हैं, जो आपकी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को भोपाल की धरा पर लाल परेड मैदान में एक विशाल महापंचायत बुलाकर जिसमें जनमानस का करोड़ों लाखों रुपए खर्च किया और उस महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के समक्ष जो घोषणाएं की, उनके हित में जो घोषणाएं की, उसमें डीपीआई के समस्त मौजूदा अधिकारी उसमें मौजूद थे या उनको पता नहीं था? आप डीपीआई के जितने भी अधिकारी उसमें थे, उन्होंने एक एजेंडा दिया था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कहने की हिस्सों के लिए ये हो सकता है। उसी आधार पर आपने जो घोषणाएं की, आज डीपीआई के अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, नामकामी कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं कहना चाहता हूँ ये भिंड की पावन धरा से कि 2 अक्टूबर को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल की धरा पर मध्य प्रदेश का 70,000 अतिथि शिक्षक आ रहा है, जन सैलाब उमड़ेगा। अब की बार करो या हो, अब की बार आर या हो। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये लड़ाई ये महापंचायत जो आयोजित हुई भोपाल में, इसमें किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का कोई रोल नहीं। एक महापंचायत मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की देन है। तो आप ये करा सकते हो, महापंचायत करा सकते हो, तो क्या जो महापंचायत में हुई घोषणा को लागू कराने के लिए सड़कों पर उतर नहीं सकते? हम बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम मेहमान तो मेहमान आप बता रहे हैं कि मेहमान है, पर आपको भी मेहमान बना देंगे। ये आपसे सूचित और बिल्कुल पावन धरा से, भिंड की पावन धरा से सूचित किया जाता है कि आगामी 2 अक्टूबर को विशाल जन सैलाब मध्य प्रदेश सायानी पार्क को नीलम पार्क में उमड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर हमारा शासन प्रशासन अतिथि शिक्षकों के बीच कोई लाठीचार्ज कोई समस्या करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी की होगी। और मैं पूछना चाहता हूँ, कल जो कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा झारखंड में एक वक्तव्य दिया गया मीडिया के द्वारा, मीडिया कर्मियों ने पूछा उनको, क्या आप यहाँ 2.5 लाख नौकरी दे रहे हैं और आपने मध्य प्रदेश में 2 सितंबर 2023 को जो घोषणा की अतिथि शिक्षकों की, उनको तो अमल में लाइए। तब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कल कहा गया है मेरी घोषणा है, मैं उनको पूरा कराऊंगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पूछना चाहता हूँ, जब आप उन घोषणाओं को पूरा कराओगे, जब ये अतिथि शिक्षक पूरा मौन सरकार उठा के स्कूलों से बाहर फेंक देगी जब, तो मैं आप सभी से विशेष निवेदन और आग्रह करता हूँ कि आप सभी मेरे एक एक अतिथि शिक्षक भाई और बहन भोपाल की धरा पर पहुंचे। ये आपकी निर्णायक लड़ाई है। संगठन कौन सा भी हो, जिस संगठन भोपाल में वर्तमान में कार्यक्रम कर रहा है, वो उस कार्यक्रम में हम सभी को बड़ी संख्या के साथ पहुंचना है। सभी की लड़ाई एक है, हमें इन संगठनों में बिल्कुल नहीं बटना है। कोई भी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी जिला अध्यक्ष, कोई भी संभागीय अध्यक्ष ये कहता है कि ये संगठन आयात कर रहा है, क्या भाई आयात क्या आयात वालों को ही नियमित होना है? नियमित तो सभी की बात है, वो कार्यक्रम कर रहा है, वो आप सभी का कार्यक्रम है, वो सभी संगठनों का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में हम सभी को अधिक से अधिक संख्या बल के साथ भोपाल चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य प्रदेश। इसी कार्यक्रम में हमारे
मित्र, हमारे भाई, भाई प्रमोद भरोत भदौरिया जी जो भिंड जिले के पीवी न्यूज के जिला चीफ ब्यूरो है, हम महेश्वरी जी से कहेंगे उनका स्वागत करें। आप सब मेरे बड़े भाई सभी साथियों, बड़ी आप लोगों की मेहरबानी है कि यहाँ पर भिंड में सभी लोग आए, लेकिन फिर भी अभी कम है, बहुत कम है। इतने लोग तो हमें ठेका मिले हमें अभी वास्तव में अभी सच बात है। बताओ आप लोग गेस्ट हो है, मोहन यादव के मेहमान हो आप लोग, बताओ जी हाल है भिंड में, जबकि जिला भिंड है यहाँ पर, रौन से, लेहाना से, लहार से और पूरी भिंड और ये चार मुद्दी है। मोहन सरकार ने तुमको बुला दिया है, उनने कहा है कि आओ मेरे पास आओ, शिवराज के पास मत जाइए, अब है कौन, वो भी अत्ती बन गएंगे अब तो। आप इनको बुलाइए, उनके पास चलिए, उनसे आप किरदार करिए और उनसे मांगिए, आपको हक दिलाएंगे लोग। शिक्षा मंत्री कौन होते हैं, जो खुलने पढ़े लिखे होंगे बताइए। आज सरकारी मां चनी बात कर रहे हो आप, मेरे साथ ले आओ, मेरे पास में ले आओ, सच्चे जो सरकारी मां चल रहे हैं वर्ग एक के, वर्ग दो के, वर्ग तीन के, मेरे पास ले आओ, से ओलंपिक गिनती नहीं जानते हैं, बुलाइए इनको, बताइए आप। हाँ बड़े माला में खड़े कर लीजिए मेरे साथ, बड़े माला नहीं जानते हैं वे, हिंदी की बड़े माला कैसी होती कौन नहीं जानते हैं वे, प्रसारण में नहीं जानते हैं सूत्र क्या होता है पानी का, बताइए आप उनको। आप देखो दे सरकारी हैं हम और बने सरकारी कह दो, सरकार ने बना सरकारी में बताइए उनको। अरे हमने तो इतना सब कुछ किया है, तेज पास कर लिया है और पढ़ा रहेगा 8-10 साल से, हम हमारा पूरा अभ्यास है, उनके किताब में पढ़ा देंगे हम, बताइए आप। इस दिन सभी कहते हैं आपका संगठन लोग कमजोर है भी, और कमजोरी बनाओ और सब लोग 2 तारीख को वहां पर चलिए और संगठन होकर के चलिए, अकेले नहीं होता है, बहुत सी कम्युनिटियां बैठी भैया हम नहीं जा देंगे, भैया क्यों नहीं जाओ तनखा ले, तुम लोग क्यों नहीं जाओगे, तुम लोग है हक तो बराबरी का है नहीं है, हर महीने तनखा गिरती आपके हर भैया, बस जितने गिरते हैं उतने गिरते हैं, आप लोग क्यों नहीं जाओ साथ, चलो डरो मरो वहां पर, भोपाली गलियों में चलो नहीं है यहाँ तो मिल जाओ, बैंक पहुंच जाओ और स्कूल पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ भैया, बस में नो तनखा दे, सबका लड़ाई है, सबकी हक की लड़ाई है, सब लोग चलो वहां पर दिखाओ रो रो के वहां कर दिए, क्योंकि लड़ाई कहना भी पहुंच जाती है वहां पर, हमें रो रो दिखा दे रो रो के, तो इनको पैसा मिलता है, वो कैसा बंद होने वाला है लाली रहनों का, तुम मर जाओगे ऐसे सब लोग करके, फिर तुम क्या करोगे जा रहे, इसलिए कहते हैं कि देखो लेकिन जो होकर के चलो वहां पर, संगठन लेके चलो वहां पर, सबको लगे कि आप भिंड जिला से डाकू नहीं है, शिक्षक है ठीक है, सबको लगे वहां पर कि हाँ भिंड जिला से शिक्षक आए हैं, और शिक्षक का सब लोग नहीं जानते हैं कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, सब जानते हैं जो गुरु है, गुरु का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना शिक्षक का काम है, ये मोहन यादव जानते हैं जब आपको, लेकिन वहां चलिए उनको दिखाइए फिर ये हमारा काम है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से वर्ग एक में टीचर हूं, कहने सीखा पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं देता, इसलिए हम भी बैठ जाते, क्योंकि हमारे साथ सबने छोड़ दिया है, नंबर 1 में बराबर आया हूँ हर साल लैटरी, लेकिन सब शिक्षक तो कहते हैं अरे हम तो घर पर ही पैसा मिल रहा है हमको, ऐसा नहीं होगा, मोहर सरकार ने सबको मतलब दिखा दिया, चखा दिया सबको, तुम घर बैठो आराम से ठीक है, उनने कह दिया तुम तो अतिथि हो, अरे हम अतिथि हैंगे तो आप भी अतिथि बनकर रह जाओगे, आप भी शिक्षा मंत्री जी 5 साल में, अगले 5 साल में तुम कोई किसी काम के नहीं रहोगे, तुमको भी अतिथि बना देंगे हम, ये हमारा वादा है, निवेदन करते हैं कि खड़ा कोई होगा, धन्यवाद, तो जो गलती हो उसमें क्षमा करना, उनकी किसी बात से किसी को हाथ पहुंची हो तो क्षमा चाहूंगा, और हमारे साथ अभी बीच में अध्यापक संवर्ग के अध्यक्ष बैठे हैं, वो अपना समर्थन देने आए, साथ देने आए हैं, क्योंकि जो हम लड़ाई समर्थन देने आए हैं, हम महेश्वरी जी से, कामत जी से कहेंगे अपना
जो ज्ञापन है तो माल्या के साथ पहले रूबेन जी से कहेंगे स्वागत करें। एक सुंदर नाम दिया है सरकार ने कि वो अतिथि शिक्षक का नाम। आप सबने जो हमको बोलने का मौका दिया, मैं हजारों अध्यापक भाई भिंड की ओर से आप सबको पहले तो समर्थन करता हूं। और जहां हमारी और हमारे संगठन की आवश्यकता पड़ेगी हम कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ। विडम्बना ये है कि दर्द एक है और दवा भी एक ही काम करेगी, और ये काम हम 1998 से लेकर के अभी भी हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं है। हम अनवरत रूप से इस संघर्ष को लगातार मतलब लड़ रहे हैं। आप सोचो 98 से लेकर के अभी तक आपकी जो प्रमुख मांग है, यहाँ उपस्थित सभी अच्छी शिक्षक संगठन के समस्त पदाधिकारी भाई और बहन, और आप सबके द्वारा बताया गया लगभग प्रदेश में 70,000 लोगों के आसपास जनसंख्या अतिथि शिक्षकों की। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि केवल अतिथि शिक्षक नहीं है, इनके पीछे इनका परिवार है, इनकी गाइडलाइन में इनका भविष्य भी है। और प्रमुख रूप से जो मांग है वो एक सूत्री मांग है, वो ज्यादा बहुत बड़ी लंबी मांग नहीं है, कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में 97-98 में एक शिक्षा गारंटी या वैकल्पिक शाला के रूप में जो गुरुजियों के साथ जो शुरुआत हुआ करती थी, वही सरकार से अनुरोध है कि उसी प्रकार से हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में संपूर्ण अतिथि शिक्षक हैं उनकी एक बार एक परीक्षा कराई जाए, और परीक्षा करा करके इस विभाग में एक शिक्षक के रूप में उन्हें पदस्थ किया जाए। ये मेरा निवेदन है, संभवतः इसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अतिथि बने भी इनको दशकों वर्ष हो गई। और किसी विद्वान ने यह कहा है जिस प्रदेश का यदि विनाश करना हो दो चीजें खराब कर दो, नंबर एक शिक्षा और नंबर दो चिकित्सा, वो प्रदेश होते ही नीचे चला जाएगा। मेरा खुद का भी मानना है इस प्रकार से। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार से यह अनुरोध है कि ये अच्छा नहीं लगता है जब शिक्षक रोड पर आएगा तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक एक बड़ा सामाजिक प्राणी होता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, अगर वही भूखा है जिस प्रदेश का शिक्षा देने वाला व्यक्ति भूखा है तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रदेश का भविष्य कैसा हो सकता है। तो हम तो यही समर्थन करेंगे, यही बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, जब कभी विद्यालय में हम जाते हैं और विद्यालय में जब बैठते हैं तो शिक्षा में काम करने वाले शिक्षक के रूप में तीन प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तो ओल्ड वाले जो हमारे शिक्षक हैं पुराने वाले, दूसरे हमारे साथ के जो अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक हैं, और तीसरे हमारे साथ में जो अतिथि शिक्षक के रूप में भाई और बहन विराजमान है। स्कूल एक है, व्यवस्था तीन तीन है, वेतनमान भी इनका, चलो उनका वेतन है हमारा भी वेतन है, पर हमारा जो अतिथि शिक्षक जाता है गांव के लोग उसे भी शिक्षक मानते हैं और है भी शिक्षक। और मैं ये भी मानता हूं और जानता हूं कि अतिथि सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली युवा पीढ़ी है, इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि भविष्य के प्रति सभी सुरक्षित होना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक विडंबना और देखिए, हमारे प्रदेश में शिक्षकों को भी तीन तीन पेंशन है, ओल्ड पेंशन जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं, एनपीएस जिसको हम ले रहे हैं, बीच का एक रास्ता और निकाल दिया है, मोटिफाई कर दिए, उसका एक नया नाम आ गया है,
यूपीएससी है ना, वो करके एक नई पेंशन आ गई है, मॉडिफाइड पेंशन एक स्कीम और आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 98 से हमने घर से निकल करके विद्यालय में जाने का काम किया और समाज और नौनिहाल बच्चों को राष्ट्र के भविष्य का निर्माण किया, और 2042 में हमारा रिटायरमेंट दिख रहा है कंप्यूटर के मुताबिक। 2042 तक हम सर्विस मतलब सेवाएं देंगे। हमको इन तीन पेंशनों में से जो हम चाहेंगे वो पेंशन नहीं मिल पा रही है, और हमारे माननीय जो होते हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो और भी मंत्री जी हों, वाली है, इसको खत्म होना चाहिए। यदि वो पेंशन अच्छी है तो नेता माननीय वो पेंशन लेना शुरू करें, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं, आप एक विधायक का वेतन देखिए, एक सांसद का वेतन देखिए, एक मंत्री का वेतन देखिए, वहीं स्कूल में शिक्षा विभाग में आकर के शिक्षकों का वेतन देखिए। हमारा अतिथि शिक्षक, उसको 5,000, 7,000, 9,000 ठीक है, आप डबल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो 2 महीने का जो वेतन नहीं दे रहे हैं, 10 महीने के लिए भी, उसमें भी अभी क्या किया विभाग ने कि हमारे यहाँ जो सरप्लस में शिक्षक थे, एक पॉलिसी ला करके ये भी कर दिया कि अब शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अब नई पॉलिसी और आ रही है, हम आपको ये भी अवगत करा दें कि 15 किलोमीटर में एक CM राइस स्कूल होगा, सारे छोटे छोटे प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल खत्म हो जाएंगे, खत्म हो करके सारे स्टाफ को इकट्ठा किया जाएगा, किसी भी शिक्षक की, किसी भी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ेगी। वो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम आप सबको भी जागृत करना चाहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाइए। 2 तारीख को जो निश्चित किया है, तो 2 अक्टूबर गांधी जी का वो है और भोपाल का स्थान चयन किया है, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी संख्या बल के साथ, आप जरूर भोपाल में अपनी ताकत के साथ रखें बात, क्योंकि सरकार बहरी भी होती है, गूंगी भी होती है और अंधी भी होती है। इसे हमें जगाना पड़ेगा, इसकी नींद तोड़वाना पड़ेगी, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। हम और हमारा आजाद अध्यापक संघ संगठन आपके साथ है, जहां बुलाएंगे, जो कहेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए समय के अभाव में वाणी को प्रभाव आप सबको पढ़ाऊं, धन्यवाद। आज आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आज भिंड में जो कार धरना प्रदर्शन शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है, हम सभी लोगों द्वारा, उसमें हमारी प्रमुख मांग है, जो 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक विशाल महापंचायत भोपाल बुलाकर अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने की बात उस महापंचायत में कही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था, हम अतिथि शिक्षकों की गुरुजियों की तर्ज पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित करेंगे, परंतु मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले हैं, इसके जिम्मेदार हम अतिथि शिक्षक नहीं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। आज 1 वर्ष से ज्यादा समय होने को है, आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों के हित में महापंचायत में जो घोषणाएं की गई हैं, उनको लागू नहीं किया गया। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं करना चाहते, तो उनको भरी मंच से स्पष्ट कहना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणाएं थी वो झूठी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी झूठी है, झूठी घोषणा करती है। हम जनता के साथ, अतिथि शिक्षकों के साथ छल कर उनका वोट लेते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की ओर से, कि आपके नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक हित में जो महापंचायत में घोषणाएं की हैं, उन्हें तत्काल लागू किया जाए, यही मेरा आपसे विशेष और आग्रह निवेदन है। कौन कौन सी घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री ने महापंचायत बुला के घोषणा की थी? जी, सर्वप्रथम घोषणा उन्होंने की थी कि हम गुरुजियों की तरह विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि 25% की जगह 50% आरक्षण भर्ती परीक्षा में देंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और हर वर्ष के 4 अधिकतम 20 अंक बोनस के दिए जाएंगे, परंतु आज दिनांक तक इस
प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया, ना ही कैबिनेट में लाया गया, ना ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया गया। मैं माननीय मोहन यादव जी से निवेदन और विशेष आग्रह करना चाहूंगा 70,000 अतिथि शिक्षकों की ओर से कि जल्द हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करें, वरना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल की धरा पर 70,000 अतिथि शिक्षक करोड़ों की स्थिति में है। आज क्यों बैठे हड़ताल पे, आज क्या उद्देश्य है इसका? हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम 2 तारीख को, 2 तारीख के आंदोलन को लेकर तैयारी को लेकर तैयारी की विशेष महत्वपूर्ण तैयारी में सभी जिला स्तर पर तैयारी चल रही है। आज भिंड में भी तैयारी है और आज भिंड के हमारे अध्यक्ष श्री राजेश कामत जी द्वारा जो अर्थी यात्रा संपूर्ण अतिथि शिक्षकों की ओर से निकाली जा रही है सरकार के विरोध में, इससे मुझे बड़ा हर्ष और दुख प्रतीत होता है कि माननीय मोहन यादव जी आप शांत बैठे हुए हैं, आपकी सरकार द्वारा जो घोषणा की आप उनको भूल रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अच्छे से होती है, जो पूर्व में जैसे गुरुजी की तर्ज पर जो होती थी उसी तर्ज पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है। शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि अभी पूर्व में बयान आया था शिक्षा मंत्री का कि अतिथि माने मेहमान होता है, वो मेहमान की तरह मेहमान घर पे आकर कब्जा थोड़ी करेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप अतिथि शिक्षकों को मेहमान कह रहे हैं, घर पर कब्जा करेंगे, मेहमान तो 1 या 2 दिन का होता है, परंतु अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से शासकीय स्कूलों में सेवा दे रहा है, और जब आपके पास सरकारी शिक्षक नहीं थे, इन्हीं अतिथि शिक्षकों ने 2-3-5 हजार में काम किया है, अल्प मानदेय पर शिक्षा की व्यवस्था को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है, और आप कह रहे हैं कि मेहमान है, मेहमान नहीं, ये विगत 16 वर्षों से अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूलों में सेवा दे रहा है। 2 तारीख को आप आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक उसमें जुटेगा, वहाँ क्या मांगे आपकी रहेंगी? प्रमुख मांग यही है, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग है, गुरुजियों की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। सिर्फ एक ही मांग, नियमित एक ही मांग, गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा हो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण कुशवाहा, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ, ग्वालियर जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? नाम देवेंद्र कुमार बरैया है, जिला ग्वालियर से आया हूँ। भिंड में, भिंड क्यों आए हुए आज? भिंड सर हम लोग सब चाहते हैं कि सब जितने भी अतिथि से हम बटे हुए हैं सब एक हो जाएं, और जिला लेवल पर प्रोग्राम हो और कहीं से भी अतिथि शिक्षक आए, सबको हम एक करें, और हमारा मकसद एक ही है कि हम सब लोग एक होकर और अपनी एक मांग को लेकर भोपाल में सब इकट्ठे हों और अपनी मांग को शासन से दबाव के जरिए मनवाएं, यही हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में कई 15-16 साल हो गए लगभग अतिथि शिक्षकों के, हम लोग हवाला देते हो कि हम 1,70,000 कहीं भी 70,000 से 50,000 का हवाले देते हो, मध्य प्रदेश में जब भी आंदोलन होता है वो संख्या क्यों नहीं पहुंच पाती, इसका क्या कारण है? सर संख्या पहुंचती है ऐसा नहीं है, संख्या नहीं पहुंचती है, संख्या पहुंचती है लेकिन थोड़ा कुछ विसंगतियाँ हैं अतिथि शिक्षकों की। ऐसी सरकार के पास क्या परेशानी है कि आपको नियमितीकरण के लिए और कोई कदम नहीं बढ़ा रही सरकार? सरकार के पास सर कोई ऐसा वो नहीं है, केवल एक हम ये तो चाहते हैं हम जितना वेतन हमें आज भी दे रहे हैं सरकार वही वेतन हमें देती रहे 3 साल तक, हम वेतन अलग से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा पद है कम से कम स्थायी तो कर दे, अपना जीवन का पालन पोषण कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुबंध करने की एक बात कही थी, बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, आप में हर्ष की लहर दौड़ी थी अतिथि शिक्षकों में, वेतन डबल की कहा था, वेतन आपका डबल हो चुका है, और अनुबंध का कहा था, अनुबंध आपका हुआ नहीं है, इसीलिए आक्रोश में है आप लोग और नियमितीकरण की मांग के गुरु जी की तर्ज पर मांग कर रहे हैं आप लोगों का, आज अर्थी निकाल रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? अर्थी निकालने का मकसद यही है कि आज अतिथि शिक्षक बिल्कुल मरा हुआ अवस्था में है, वो किसी का कोई मतलब कर ही रहा है, 16 सालों से स्कूलों में सेवा दे रहा है वो, लेकिन आज उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि न वो जी पा रहा है न मर पा रहा है, अब हम 40 साल हमारी उम्र हो गई है, अब हम कहाँ जाएं, क्या मजदूरी करें, हम मजदूरी लाग भी नहीं छोड़े शासन ने, क्या करें सर? तुम लोग यहाँ से 3 बजे निकलेंगे, 3 बजे का टाइम है, रास्ते में जितना भी लग जाए कलेक्ट्रेट तक अपन 4 बजे तक पहुँच जाएगा सड़के, मतलब 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आदरणीय भूपेन्द्र भदौरिया जी कहाँ है, कृपया कार्यक्रम स्थल पर आने का प्रयत्न। भूपेन्द्र जी आ रहे हैं, आवाज के साथ रहता है क्योंकि सभी संगठन एक साथ नहीं खड़े होते, कई संगठन है, कई प्रकार की मांगे जाती रहती हैं, सरकार को भरवत कर देती है, हमारी ये भी आप सभी लोगों से सहयोग है, कोई मतलब नहीं रहा, जो हुआ कुछ लोगों ने 2 महीने भी किया, किसी ने 1 महीने, किसी ने नहीं पाया, क्योंकि ऐसा एक आदेश डाल देते हैं कि अब अतिथि वालों से पर भरे जाए, कभी अतिथि वालों पर भरे जाए कभी बचेगा, हमारी एक एक मांग है,
हमारे लोगों को आप सभी सरकार एक ऐसा नियम बनाए कि अति शिक्षक का पद स्थायित्व हो। जब तक वेतन न बढ़ाए कोई बात नहीं, केवल एक ही आदेश कर दो कि इनको आगामी आदेश तक जब तक कोई नीति नहीं बनती तब तक इनको हटाया न जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वो इस प्रकार का आदेश होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मोहन सरकार जी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अनुरोध को सुनेंगे और मांग पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम अपना चल रहा है अभी 2 अक्टूबर वाला, इसमें सभी से अपील है कि सभी लोग जाएं, कार्यक्रम को सफल बनाएं, सभी संगठन एक साथ हैं, सभी का सहयोग मिलेगा। और भोपाल में मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से अनुरोध करता हूँ कोई प्रदेश अध्यक्ष अकेले डेलीगेशन बना के मिलने न जाए सरकार के प्रतिनिधि से। मिलने जाते हैं तो आम अधिशिक्षक का डेलीगेशन होना चाहिए और उनके द्वारा ही मांग पत्र जाए और जो भी बात हो आम अधिशिक्षकों के बीच में से ही बात होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और अंदर क्या बात होती है, क्या करके आते हैं, आम अधिशिक्षक इंतजार करता है कि हम परमानेंट हो गए और पता चलता है कि कोई इस आदेश पर अमल ही नहीं होता। 10 सितंबर को आपके बीच में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन आज तक उन पर 1 भी बिंदुओं पर आदेश नहीं हुआ। जो पूर्व में अपने को 25 नंबर मिलते थे उसके 20 नंबर कट दिए गए, इससे बड़ी विसंगति क्या होगी। बीच में 50 नंबर कर दिए, 50 को पता लगा कि 50 हटा के फिर 20 कर दिए, क्योंकि अन्य संगठन खड़े हुए वो कहते नहीं पाठशाला परीक्षा होती है संगठन को पहले जाएगा, तो वो विरोध होता है वहां, क्योंकि उनको भी अपने को सामंजस्य में लेना पड़ेगा, उन अध्यक्षों को बुलाना पड़ेगा, भाई आप मेरे साथ आइए, यदि आप ऐसा चाहते तो मैं भी सहमत हूँ। पहले आप पाठशाला परीक्षा पर चाहते हैं जाना है, मैं भी सहमति देता हूँ जाए, पाठशाला परीक्षा पास है प्लस CA/BEd है अनुभव उनको ले लो, पहले राउंड में उनको बगैर परीक्षा कराए इनको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर पे जो लोग आते हैं जो पाठशाला परीक्षा पास नहीं है, DEd/BEd है अनुभव है, उनकी विभागीय परीक्षा ले लो। तीसरे नंबर पे वो आते हैं जिनके पास अनुभव है लेकिन DEd/BEd नहीं है, वो पाठशाला परीक्षा पास नहीं है, उनको आप साधन के व्यय पर DEd/BEd करा के बाद में उनकी विभागीय परीक्षा ले लो। और 3 शर्तों पे आम अधिशिक्षक सभी लोग रेगुलर हो सकते। और सबसे प्रमुख मांग है कि गुरुजियों की विभागीय परीक्षा जिस प्रकार हुई थी उनको कोई बात नहीं थी, केवल उनको DEd/BEd करना ही अनिवार्य कर दिया था। DEd/BEd अनिवार्य जो करके आए थे उनको सीधा विभाग में संबोधन कर दिया, फुल वेतन से आज वो कार्य कर रहे हैं। उनकी भी परीक्षा ली, 2 बार फेल हुए, 2 बार फेल होने के बाद लास्ट में 2014 में तो उनको रेगुलर कर दिया। अपनी ये कई मांग है 2 अक्टूबर 2014 वाली 10 अक्टूबर 2014 वाला आदेश रिपीट हो, अति शिक्षकों को जिस प्रकार किया था उसी प्रकार गुरुजियों को रेगुलर किया था उसी प्रकार अति शिक्षकों को रेगुलर किया जाए। मांग मेन वही है, गुरुजी की तर्ज पर अति शिक्षकों को रेगुलर किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। और संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले काम करने वाले मेरे प्रिय आदरणीय भूपेंद्र जी, जो काफी दिनों तक हमसे दूर रहे हैं, आज वो भी हमारे बीच में आए, उनको भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही अभी हमारे मोहन डॉक्टर मोहन सिंह रोन ने मुझसे कहा कि आप भूल गए हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। साथियों, आज अतिथि शिक्षकों की वो घड़ी है जो आपके सामने दिख रही है। आज अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाता तो आज एक दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अतिथि शिक्षक का दुश्मन अतिथि शिक्षक ही है और कोई नहीं है। आप लोगों के समक्ष में एक उदाहरण पेश करता हूं, बेटा फोन से करो। एक कुत्ता हुआ करता है और एक गधा हुआ करता है। गधे में कुत्ते में बेट होती है, शर्त होती है। कुत्ता कहता है कि मैं तेज दौड़ता हूं, गधा कहता है मैं तेज दौड़ता हूं, तो उनमें शर्त हो जाए। वास्तविकता यह कि गधा स्लो चलता है, कुत्ता तेज दौड़ता है, तो उनका पॉइंट बन गया मेहगांव से लेकर गोल मार्केट फील्ड। नहीं सर, ये गलत है। उसमें सर चोरी थी। जाइए।
जाइए। तो उनमें शर्त हुई कि मैं तेज दौड़ता, तो गधा वहां से चलना चालू कर दिया और कुत्ता वहां से दौड़ना चालू कर दिया। मैंने उसे कुत्ता चला और ज्ञानंद के प्राके कुत्ता ने भुगेला। ज्ञानंद के प्रापे कुत्ता मिल गया तो भुगेला, और तब तक अपने गधा अपने क्रॉस धीरे धीरे निकल गया। गधा आगे बढ़ गया, कुत्ता वहां से छूट छाट के जैसे ही चला तो बरोई के कुत्ता ने घेला। बरोई के कुत्ते पे तो निकले सोनो, आगे नायब के कुत्ता ने घेला। मतलब ये है कि कुत्ता कुत्ता को चेतते रहे, उसको घेरते रहे, और गधा निकल करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तब गधा ने कही चौड़ी सीना छाती करके गधा ने कहा कि देखो हम जीत गए। कुत्ता ने कही तुम कहा मत जीत पालते, क्यों हमारी जाति है खेचरज के पीछे को, तो हम जीत कैसे जाएंगे। तो अतिथि शिक्षकों को पीछे ले आने वाला स्वयं अतिथि ही जिम्मेदार है और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। साथियों, अभी सबने सुना होगा सोशल मीडिया और अखबार पर हमारे शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि अतिथि यो अतिथि रहो, क्या घर पे कब्जा कर लोगे, और तैयारी का बाप होती है। बताइए द्वारे का बाप होती है शिक्षा मंत्री की सीट। अरे 5 साल बैठे हो, देख लेंगे तुम्हें गर्भवारा में। पहले मैं गर्भवारा की ये सर्वे कराऊंगा कि इस गर्भवारा विधानसभा क्षेत्र में किस किस बिरादरी के ज्यादा वोट है। समस्त मध्य प्रदेश से अपील करूंगा, भिंड से अपील करूंगा कि उस बिरादरी के लोग लग जाए और इस शिक्षा मंत्री को धूल चटा दे जाकर के, सब बिरादरी में लोग लग जाए, इसको पता चल जाए कि कैसे शिक्षकों का ये अपमान करता है। साथियों, ठीक है हम मेहमान है, बड़ी विसंगति है। अभी हमारे धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि बच्चों को पता चलता है, रिश्तेदारी में पता चलता है, तो हम यही ना कह पाते कि हम शिक्षक हैं। हमारे एक दोस्त थे तो उनके संबंध वाले आए यूपी से, तो किसी गांव के सीधे ने व्यक्ति ने बता दिया कि लड़का टीचर है। अब बिना पूछ नहीं पाई कि गया कौन सा टीचर है। यूपी में कहा कि लड़का में मिलेगा टीचर मिलेगा, बुलेट दही बिना बुलेट। अच्छी शादी हुई मैडम। शादी होने के बाद नव वधु घर में आई, 2-4 दिन हुए दोनों ट्रांसफर से हुआ। बहुत ही जल्दी, मैं करीबी से जानता हूं, कोई मैं वैसा उदाहरण पेश नहीं कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब वो घर में बैठ गए, एक दिन 2-4 दिन हो गए, उनकी मैडम ने कहा कि आप ड्यूटी ना जाते ही कि ड्यूटी छूट गए। के झूठ कैसे करते कि अतिथि शिक्षक आता है। लेकिन वो महिला, मैं धन्यवाद उस महिला को देना चाहता हूं, उसने अपने पति से ये कहा कि ठीक है झूठ गज्जे कोई बात ना है, लेकिन हमारी माता जी से मत कह दियो कि भाई नौकरी छूट गज्जे, नहीं वो आत्महत्या कर लेंगे। अब तुम कहीं अपना रोजगार देख लो और अपना काम करो, ताकि पशु आगे प्रक्रिया। तो कई एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे, मैं अपनी रीति बता रहा, हमारी जगह पे 0 दिख रही थी। एक दिन हम भोपाल तक डीपीआई तक गए, एक दिन हमारी पिटिया का फोन आया, पापा तेरी जगह खुल गई थी। तो हमने की जाता है, शाम को गए, 19 तारीख को हम गए लेटर निकलवा के ले आए, 20 तारीख को हमने कार्रवाई करी, 22 तारीख को लेटर आ गया, सरप्लस टीचर आ रहा है और हमारी जगह भरे हुए। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रक्रिया सबके साथ हो रही है, ये हमारे में यही नहीं है, सबके साथ है। क्योंकि खुर्शीदा मैडम डीपीआई ने हमने बताया कि मंत्री जी के सख्त आदेश है, कम से कम गेस्ट टीचर रखे जाएंगे,
क्योंकि सरकार पे पैसा नहीं है, इसलिए आप अपना भविष्य चाहते हो, गोल्डन फ्यूचर चाहते हो, तो भिंड से लेकर के भोपाल तक ताकत दिखाएं, तभी आपका भला हो सकता है। ये ही मांग है गुरु जी की तरह विभागी पात्रता परीक्षा, और कोई मांग नहीं, इसके अलावा आपका कहीं भला नहीं हो सकता है। साथियों, अपन यहां से लगभग 3 बजे चलेंगे, 2 लाइनें बनाएंगे, एक साइड में चलेंगे, मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे। आप लोगों को नियम पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि उसमें लेटर में रहता है कि मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने के। तो 2 लाइन बना के अपन शांतिपूर्वक शिक्षकी मर्यादा को देखते हुए अपन चलेंगे, और जो भी वहां अधिकारी होंगे उन्हें अपन ज्ञापन देंगे, उसके बाद अपने जो धरना प्रदर्शन अपना समाप्त। अब मैं साथियों आपको 2 पंक्ति गीत के माध्यम से सुनाया। बोल पहले क्या थे, हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले वालों ने, ये उसके बोल थे। उसी की तर्ज है हमें तो लूट लिया मिल के डीपीआई वालों ने, शिक्षा राव प्रतापों ने, मोहन सरकार वालों ने, गोरे गोरे अधिकारियों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिल के डीपीआई वालों ने, शिक्षा राव प्रतापों ने, मोहन सरकार वालों ने, गोरे गोरे अधिकारियों ने, काले काले वालों ने। यही हुआ अपने साथ में। अच्छी आस लगाए शिव मामा से, क्या हुआ 2023-24 में अतिथि शिक्षकों ने आस लगाई थी शिवराज सिंह चौहान से। अतिथि आस लगाए शिव मामा से, हमारे सपनों पे पानी फेरा दिल्ली वालों ने सपने में पानी क्यों फेरा मालूम है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि यदि शिवराज सिंह केंद्र में नहीं जाते तो वो आदमी आपका भला कर सकता था। हमें तो लूट लिया गोरे गोरे अधिकारियों ने, दिल्ली वालों ने, काले काले वालों ने, मोहन सरकार वालों ने। ये हुआ अपने साथ। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसी को हटाया नहीं था, पहले भी लोग आए थे, अब पूरी वर्ष का उसने वेतन दिलवाया था, और जो व्यक्ति स्वयं वादा करता है वो वादा को निभाता था। यदि शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह अतिथि शिक्षकों को मेहमान कह सकते हैं, तो उनमें यदि दम है तो वो ये कह के दिखाएं कि शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, वो तो ऐरा गहरा रट्टू घेरा थे। वो कहें कि शिवराज सिंह भाजपा के नहीं थे, मैं उनके वादा को नहीं निभाऊंगा, कह के दिखाएं। हम तो गरीब है, क्या कह देगा। धन्य मामा शिवराज, तुमको पिछली वर्ष रोजगार दिया था हमको, तुमने धीर बनावे कौन, हमें तो लूट लिया 23-24 सरकार वालों ने, गोरे गोरे अधिकारियों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे अधिकारियों ने। साथियों, समय नजदीक है, अपने अनुशासन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सभी लोग अनुशासन से यहां से प्रस्थान करेंगे। मोटरसाइकिल को 2 आदमी छोड़ देता है।
हम आपके हाथ में